हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सनी हियर। मैं आज आपके साथ डर्मोको का और एक बेहतरीन प्रोडक्ट का रिव्यू एंड डेमो लेके आ गई हूँ। कोई भी कोलेबोरेशन नहीं चल रही है, मुझे ये फ्री में नहीं मिला है, कोई भी पीयर वाला प्रोडक्ट्स नहीं है। आपको लगेगा सीरियली ये डर्मोको के साथ कोई ऐसी कोलेबोरेशन करके वीडियो बना रही है। नो, जैसे कि मैं मिनिमलिस्ट का बहुत सारे यूज़ कर चुकी हूँ, अभी उसका भी रिव्यू बैक टू बैक आएगा। बट अभी डर्मोको का मैंने यूज़ करके इतना अच्छा लगा कुछ कुछ प्रोडक्ट्स, और जो प्रोडक्ट्स मुझे अच्छा नहीं लगा उसका भी रिव्यू जा चुकी है। तो सब कुछ मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ डर्मोको के ऊपर, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये डर्मोको जो ब्रांड है बहुत ये नाम कर रही है। बहुत अच्छा अच्छा आपको रिव्यूज़ भी मिल जाएगी, फीडबैक मिलेगी, इफ़ेक्टिव है, जेंटल है, और सबसे ज़्यादा जो एफोर्डेबल है, जो काफ़ी ये जो मानसून सीज़न है, जो समर है, इसमें जो आपका ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, टीनेजर्स है, उनके लिए प्रोडक्ट्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए मैं बैक टू बैक इसका रिव्यू कर रही हूँ। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट जो मैं डर्मोको के प्रोडक्ट्स के मैं रिव्यू कर रही थी, उस टाइम भी मैं बोली थी मैं इसका बहुत ही बेहतरीन वाला एक अल्ट्रा मैट सनस्क्रीन जेल यूज़ कर रही हूँ, उसका ही रिव्यू है। दिस इज़ द SPF 60 PA ट्रिपल प्लस अल्ट्रा मैट सनस्क्रीन जेल। 50 ग्राम्स है इसका क्वांटिटी। ये फॉर अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन, अल्ट्रा लाइट है, ऑयल फ्री है, और हम जानते हैं डे टाइम यूज़ करनी। इसका पैकेजिंग का कलर मुझे इतना लगती है अच्छे सनसेट जो कैरेट कलर है, मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है ये कलर। और ये है, आप देख सकते हो, ये अभी इतना सा बचा है, मैंने इसे यूज़ करते करते एक महीने से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ डेली मॉर्निंग में, और एक महीने से ज़्यादा ही हो गया शायद, या 1.5 मंथ्स होने को है, तो अभी भी इतना सा बचा है, तो वो भी और भी हाफ मंथ से चला जाएगा। 2 मंथ्स तो अच्छे से जाती है, वंस इन अ डे आप यूज़ करो। और इसके साथ साथ मैं दूसरा वाला भी करती हूँ, तो आपको शायद 2 मंथ्स से ज़्यादा भी चल सकती है आप अकेले यूज़ करोगे तो। 1 पर्सन के लिए मैं कह रही हूँ, और क्वान्टिटी मेरे अकॉर्डिंग तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। आप उतना क्वांटिटी लगाओगे तो फिर चलेगा, आपको ज़्यादा लगानी है, फुल बॉडी में लगाओ तो इतना दिन नहीं चलेगा। फिर नहीं बताना कि आपने बोला तो 2 महीने से ज़्यादा चलेगी, बट ये तो मुझे 1 महीने से ज़्यादा नहीं चला। आप कैसे लगा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होती है। और ये जो है वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट है, हाँ सॉर्ट ऑफ, उतना 100% नहीं कहूँगी मैं। स्वेट में तो मैं जब काम करती हूँ किचन में तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो निकल जाती है, 100% नहीं, 50% टिकती है। बट वाटर रेजिस्टेंट भी मैं वैसे ही बोलूँगी, 20-30% रह जाती है, लेकिन 80-70% निकल जाती है, तो उतना ज़्यादा ये रेजिस्ट नहीं करती है। वाटर प्रूफ नहीं है, स्वेट प्रूफ नहीं है, बट रेजिस्ट संभव कर जाती है। और UVA UVB है इसमें। और ये प्रोडक्ट जैसे कि हर टाइम मैं मेंशन करती हूँ, डर्मोको का प्रोडक्ट्स आर वेरी सेफ बिकॉज दिस आर सल्फेट फ्री, डाई फ्री, पैराबेन फ्री, मिनरल ऑयल फ्री। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मैं आपको क्लोज में शेयर कर दूँगी, आप देख लीजिएगा, नहीं तो इसके साइड में जाकर आप देख सकते हो। एंड क्लीन करनी है आपको अच्छे से, क्लीन करने के बाद आपका जो ट्रीटमेंट है आप नाइसेना में लगा सकते हो, बिकॉज दिस इज़ अ परफेक्ट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन सनस्क्रीन, तो इसके साथ नाइसेनामाइड बहुत अच्छे से जाएगा, फिर आप इसे लगा सकते हो। अदरवाइज आप विटामिन सी भी लगा सकते हो। और ये वाला जो है ना, दिस इज़ द अल्टीमेट वन। आपको क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्लीन करनी है, ट्रीटमेंट कुछ लगानी है या टोनर लगानी है, दे आपको मॉइस्चराइजर लगानी है इसका, अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई एक्ने प्रोन है तो, कम्बिनेशन टू ड्राई है तो भी लगाइए। बट मैं सजेस्ट करूँगी आपका स्किन अगर बहुत ऑयली है, स्वेट निकलती है, बहुत ज़्यादा चिपकू चिपकू हो जाती है, थोड़ी देर में ही आपका स्किन एकदम सब कुछ मेल्ट हो जाती है, इतना ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो मॉइस्चराइजर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैट फिनिश है एज वेल एज एक क्रीमी टेक्सचर है, तो आपको स्किन में बिल्कुल नहीं ड्राइनेस आने देगी। अदरवाइज आपका स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई खींचा खींचा होती है, देन आप मॉइस्चराइजर के साथ इसे यूज़ कीजिए। तो फर्स्ट आपको क्लीन करनी है, देन टोनिंग या सिरम लगानी है, अगर आपको ज़रूरत लगे तो मॉइस्चर लगे, नहीं तो डायरेक्टली इसके ऊपर आ जाइए। दिस द बेहतरीन वाला एक प्रोडक्ट है, सनस्क्रीन है। ओके, मैं तो यूज़ दिखा दूंगी और इसको टोटल शेयर कर दूंगी इसके आउटर कर्टन में क्या है, और इसके पीछे भी आपको सेम टू सेम सब कुछ मिलेगा। तो ये कैप सिस्टम है इसका, मुझे जो एक कॉन लगा वो है इसका, एक्चुअली 2 कॉन्स है, एक तो है इसका पैकेजिंग, ये मुझे ना ये स्क्रू वाला कैप पसंद नहीं है, मुझे फ्लिप कैप पसंद है जो बहुत ही इजीली हो जाती है, नहीं तो ये कहाँ पे रखूँ ये ढूंढते ढूंढते तो टाइम निकल जाती है, फिर कहीं पे गिर जाती है गंदा जगह पे, तो इसको क्लीन करना पड़ती है, तो बी केयरफुल। और नहीं तो पम्प बॉटल मुझे अच्छी लगती है, पम्प बॉटल में अगर हो तो, और ट्यूब में अगर हो तो स्क्रू कैप नहीं, टिक टॉक वाला जो साउंड वाला जो फ्लिप कैप होती है, दैट्स द सेफ वन एंड दैट्स द सेफेस्ट वन। एंड द 50 ग्राम्स का प्रोडक्ट है, और इसका प्राइस मैं बता दूँ, तो यूज़ करते करते इसका प्राइस भी फेड हो गई है।
थिंक दिस इज 599 या 699 है, जो मेरा अलग से कॉर्न है वो है इसका प्राइस 50 ग्राम के अकॉर्डिंग ये 500 या 600 के आसपास, सॉरी ये 600 या 700 अकॉर्डिंग इसके आसपास है, डिस्काउंट में मिल जाती है। मैं मे बी इसका प्राइस 699 है, मैं इसे परचेज़ किया था 650 या 625 में ऐसा कुछ। तो बहुत ही अच्छा वाला सनस्क्रीन है, इतना अच्छे अच्छे रिव्यू देख के मैंने परचेज़ किया। बहुत ज़्यादा गर्मी में मैं इसे यूज़ करती हूँ, जब डे टाइम मैं काम करती हूँ इतना ज़्यादा स्वेट एंड ऑयल निकलती है, इसमें बहुत ही अच्छे से काम करती है, एकदम मैट रखती है, सिलिकन बेस्ड है, प्राइमर के जैसे आपको देगी, कोई भी ड्राइनेस भी नहीं, ऑयलीनेस भी नहीं, इसके ऊपर मेकअप भी बहुत अच्छे से जाती है। लेकिन मैं मेकअप लगाना इसके ऊपर उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। जब और एक कॉन है, थ्री कॉन्स में से ये और एक है, सबके लिए ये नहीं है, मेरे लिए है, मेरे जैसे स्किन अगर आपकी है तो आपको भी ये प्रॉब्लम होगी इसका। सिर्फ मुझे और एक जो लगा, इसके ऊपर आप प्राइमर लगाओ या आप जैसे कि प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये थोड़ा सिलिकन बेस्ड है तो प्राइमिंग अपने आप ही हो जाती है, बट आपको अगर बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा लाइन्स है या पोर्स है, आप लगाना चाहते हो तो इसके ऊपर प्राइमर अगर लगाने भी है तो थोड़ा सा अच्छे खासे एब्जॉर्ब हो जाने दो, हमें 30 मिनट्स एटलीस्ट आपको रखनी है। अब 10-15 मिनट्स बाद इसके ऊपर प्राइमर देन फाउंडेशन या आपको बीबी क्रीम लगाओगे ना, वो 1 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं दिखेगी आपका। अगर बहुत ही स्वेटिंग होती है, ऑयल सिक्रेशन होती है, गर्मी की जगह पर जा रहे हो तो बहुत अच्छी तरीके से वो मेल्ट हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी इसके ऊपर कोई मेकअप वगैरह नहीं लगाओ, दूसरा कोई सनस्क्रीन है तो उसके ऊपर लगाओ। इसके ऊपर सिर्फ जाएगी थोड़ा सा कंसीलर एंड कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर। अगर आपको मेकअप वगैरह लगानी है, प्राइमर लगानी है, तो वेट करो फॉर 30 मिनट्स, फिर एकदम फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाने के बाद आप हल्का सा प्राइमर लगाओ जहाँ पे ज़रूरत है, फुल फेस नहीं, और थोड़ा सा ही फाउंडेशन लगाना है, फिर आपको अच्छे से लूज पाउडर के साथ सेट करनी है। और देखिए इस पर मेरा उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं लगा इसके साथ फाउंडेशन का, बट अदरवाइज दिस इज़ अ एज ए सनस्क्रीन एज ए डेली यूज में दिस इज़ द एक्चुअली दस्ट मेरा प्लस प्रोडक्ट। तो चलिए इसका एप्लीकेशन मैं अभी दिखा देती हूँ। ओके नाउ डियर, आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस डर्माकोकी एसपीएफ 60 PA ट्रिपल प्लस अल्ट्रा मैट सनस्क्रीन जेल। इसका ऑलरेडी रिव्यू एंड एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं इसका एप्लीकेशन दिखाऊंगी और उसके साथ साथ थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स को भी हाईलाइट कर दूंगी। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट, ये आप देख सकते हो, टोटल प्राइमर जैसी है, एक व्हिप क्रीम जैसी है एकदम से। या ये हिलता तो नहीं है बिकॉज इट्स नॉट अ रनी थिंग, इट्स एकदम बटर व्हिप्ड क्रीम जैसा है। आपको लगेगा इंस्टेंटली यू आर अप्लाइंग प्राइमर थोड़ा सा थिक बेस में, जो अच्छे से ब्लर आउट कर देती है और एज वेल एज थोड़ा सा फेस को ब्राइटर लुक भी, इंस्टेंट जो ब्राइटनिंग होती है, नॉट व्हाइट कास्ट पर इंस्टेंटली ब्राइटनिंग इफेक्ट देती है। ये है इसका काम। तो मैंने जैसे आपको बताया, दिस इज़ अ वेरी 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 गुड सनस्क्रीन फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड स्पेसिफिकली मैं एम टॉकिंग अबाउट द ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, जिनमें कुछ भी नहीं सूट होती है, जिनको मानसून में, समर में, बहुत ज़्यादा धूप में सब कुछ मेल्ट हो जाती है, सनस्क्रीन वगैरह, प्राइमर या फाउंडेशन कुछ भी हो। तो उनके लिए मैं गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ, इट्स अ मैजिक वांड, गो एंड ग्रैब इट जब भी डिस्काउंट मिले। इसके साइड में जाइए, नायका से कीजिए, अमेजन से कीजिए, दैट्स अप टू यू, बट ओनली वन थिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू, जे आप इसको, ओनली वन थिंग आई एम टेलिंग यू कि आप इसको किसी भी हालत में, अगर हो आपके सनस्क्रीन की ज़रूरत, अब अच्छा सनस्क्रीन, मैट फिनिश, लॉन्ग लास्टिंग, आई बहुत ही पोर्स को अच्छे से ब्लर कर देती है, स्किन का जो अनइवननेस है या स्किन का जो ड्रॉबैक्स है, लाइन्स वगैरह, इसको मैश कर देती है एकदम, तो अच्छे से कवर अप कर देती है और व्हाइट कास्ट नहीं देती है। एक बहुत ही सिल्की सॉफ्ट अच्छा वाला आपको फीलिंग लगेगा फेस में। इसे आप 10 मिनट्स ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर इसके ऊपर आप चाहे फाउंडेशन या कंसीलर जो भी यूज़ करो, ये बिल्कुल नहीं होगा। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, आप देख सकते हो पोर्स एकदम मैट हो गई, यहाँ पे मैट हुई और अलग सा एक ग्लो, अलग सा एक फेयरनेस, ब्राइटनेस आ जाती है। तो मैं तो इसे दोबारा ज़रूर 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 परचेस करूँगी और नेक्स्ट टाइम मुझे री इक्वल का सनस्क्रीन भी ख़रीदना है। उसके साथ भी उसका जो शीयर या टिंटेड है, उसके साथ मैं इसे थोड़ा कंपेयर कर दूँगी। ये तो हालांकि टिंटेड नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो अंतर, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से विदाउट व्हाइट कास्ट, जैसे कि हम थोड़ा सा बीबी क्रीम वगैरह लगा थोड़ा इवन आउट करते हैं, वैसा वाला फेस कर देती है। तो हम इसे, दिस इज़ अ हाईली हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट, मैं इसे दोबारा परचेज भी करूँगी और आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।